नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है टॉप 10 खबरों का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पे। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का किया उद्घाटन। सीएम योगी का बयान, बीजेपी कार्यकर्ता को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रचा इतिहास, न्यायमूर्ति शिवशंकर ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में दिया निर्णय। जेपी नड्डा का बयान, बीजेपी आज की और भविष्य की पार्टी है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में गोलीबारी, इलाज कराने आए एक शख्स की मौत। साइबर ठगों ने लालच देकर बरेली के उद्यमी को फंसाया, 15 दिन में ठग लिए 48,93,000 रुपए। प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन में दिवाली तक तैयार हो जाएगा स्लीपिंग पॉड और एग्जीक्यूटिव लाउंज। मणिपुर में सीआरपीएफ और पुलिस काफिले पर हमला, एक जवान शहीद, 3 घायल। हाथरस में चिकित्सक छुट्टी पर, स्वास्थ्य केंद्र पर लगा ताला, मरीज परेशान। अजीत पवार का बयान, जब तक मैं जिंदा हूं कोई संविधान नहीं बदल सकता। फिलहाल के लिए इन टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।